आज सुनवाई करेगी निखत अंसारी की रिमांड अर्जी, पुलिस पेश करेगी निखत अंसारी पर, डाल सकती है जमानत अर्जी। लोअर कोर्ट जमानत अर्जी कर चुका है खारिज। बता दें कि बास अंसारी पे आरोप था कि उनकी जो पत्नी है निखत अंसारी जेल में उनसे मिलने जाती हैं और निखत अंसारी के फ़ोन का इस्तेमाल अब्बास तमाम तरह की चीज़ों के लिए करते हैं। वहीं इस मामले में अब निखत अंसारी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई, लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में आज सुनवाई। निखत अंसारी की रिमांड अर्जी पुलिस पेश करेगी, निखत अंसारी फिर डाल सकती हैं जमानत अर्जी। लोअर कोर्ट जमानत अर्जी कर चुका है खारिज, जिसके बाद निखत अंसारी ने कोर्ट अर्जी डाली है। लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट आज इस मामले में निखत अंसारी मामले में सुनवाई करेगी। निखत अंसारी की रिमांड अर्जी पुलिस पेश निखत अंसारी फिर डाल सकती हैं जमानत अर्जी। लोअर कोर्ट ने इनकी जमानत अर्जी को खारिज किया था। हमारे सहयोगी संजय इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए जो निखत अंसारी मामले में लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट सुनवाई करेगी, क्या कुछ अपडेट है? क्या निखत अंसारी फिर से जमानत अर्जी लगा सकती हैं? निखत अंसारी का मामला लगातार विवादित है और जिस तरीके से चित्रकूट जेल में वो अपने हस्बैंड से मिलने गई थी उस मामले पर उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ FIR भी की गई है और उनके हस्बैंड को चित्रकूट से कासगंज के लिए शिफ्ट किया गया है। तो ऐसे में आज बड़ी सुनवाई है और देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जमानत की अर्जी जो परिवार है अंसारी परिवार वो लगाता है और आगे की कार्रवाई क्या होती है। तस्ला, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संजय। बिजनौर SP दिनेश सिंह को ब्रेन हैमरेज, गंभीर हालत में।